नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नॉलेज नोर। दोस्तों, मेरे एक व्यूअर ने कई बार रिक्वेस्ट करके जानना चाहा है कि WAP-4 लोकोमोटिव में HOG की सुविधा क्यों नहीं है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि WAP-4 लोकोमोटिव में हेड ऑफ जनरेशन क्यों नहीं दिया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप यह समझ लीजिए कि हेड ऑफ जनरेशन टेक्निक वह टेक्निक होती है जहां पर लोकोमोटिव में लगा जो पेंटोग्राफ होता है वह OHE से सप्लाई को कलेक्ट करके ट्रेन के कोच में लगे लाइट और पंखों को देता है। पहले जो है, जो कि ICF कोच थे, उसमें बैटरी या फिर कोच के नीचे आप व्हील देखेंगे, यहां पर अल्टरनेटर को लगाकर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती थी, उसे जो है लाइट पंखे को चलाया जाता था। फिर जो है EOG आया जहां पर कोच के दोनों इंड में जनरेटर कार को लगाकर लाइट और पंखे को सप्लाई दी जाती थी। और अब जो है लोकोमोटिव में HOG यानी कि हेड ऑफ जनरेशन आ गई है जहां पर पेंटोग्राफ OHE से सप्लाई लेगा और लोकोमोटिव के अंदर एक ट्रांसफार्मर रहेगा जो कि उसे स्टेप डाउन करेगा और स्टेप डाउन करके जितनी जरूरत होती है उतना कोच लाइट पंखों के लिए देता है। तो दोस्तों, हुआ क्या कि जो WAP-4 लोकोमोटिव है वह भारतीय रेलवे की एक मोस्ट सक्सेसफुल लोकोमोटिव रही है, क्योंकि इसमें जो ट्रैक्शन मोटर यूज किया गया था वह DC सीरीज मोटर था। और DC सीरीज मोटर की एक खासियत होती है कि इसका इनिशियल टॉर्क जो है बहुत ज्यादा होता है और हाई स्पीड थी, तो इसलिए ये जो है काफी लंबे समय तक भारतीय रेलवे में सेवा दी। लेकिन समय के साथ दोस्तों हुआ क्या कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलती गई, लोकोमोटिव में एडवांस फीचर लाए गए, तो उस फीचर को कंट्रोल करने के लिए जो कंट्रोल पैनल था वो हुआ क्या कि वो जो है सारे कंट्रोल पैनल AC वोल्टेज में काम करते थे। लेकिन जो है WAP-4 लोकोमोटिव DC सीरीज मोटर यूज होने से उसमें DC वोल्टेज का यूज किया जाता था। DC जो है वोल्टेज यूज करने से इसमें जो कंट्रोल सेक्शन थे वो थायरिस्टर बेस्ड थे और प्रॉपर तरीके से उतने सारे एडवांस फीचर उसमें नहीं दिए गए थे जिससे कि फॉल्ट को डिटेक्ट किया जाए, वह जल्दी से लोकोमोटिव को एक्सीलरेट करे, डीएक्सीलरेट करे, ये सारे फीचर उसमें इतने नहीं थे जो कि AC जो है ट्रैक्शन कन्वर्टर में थे। तो भारतीय रेलवे ने क्या करी कि सन 2015 के बाद से जितने भी WAP-4 लोकोमोटिव थे जिसमें DC सीरीज मोटर का यूज किया गया था उसका प्रोडक्शन बंद कर दी, क्योंकि अब जो है थायरिस्टर बेस AC जो कन्वर्टर आने लगे जिसमें सारे सुविधाएं लोको पायलट को या फिर लोकोमोटिव फॉल्ट वगैरह पकड़ने के लिए मिलने लगे। तो दोस्तों, यहां पर प्रोडक्शन बंद होना ही इसकी सबसे बड़ी जो है कमी बनी, क्योंकि यहां पर अगर मान लीजिए कि जो पहले से ट्रांसफार्मर उसे लगे हुए हैं ट्रैक्शन मोटर के लिए उसमें किया जाता तो DC जो है कन्वर्टर यूज होते, अलग से किया जाता तो उसके लिए प्रॉपर स्पेस चाहिए था जिसे कि बना पाना पॉसिबल नहीं था। उस लोकोमोटिव में इतने जगह नहीं थे कि ट्रांसफार्मर को एक अलग से लगाया जाए। तो इन सभी कमियों को देखते हुए, चूंकि उस लोकोमोटिव को बंद ही करना था प्रोडक्शन, तो यहाँ पर WAP-4 लोकोमोटिव में इस HOG के बारे में नहीं सोचा गया, क्योंकि इसमें दो प्रॉब्लम थी। पहला, अगर हम उसे कन्वर्ट करते उसी ट्रैक्शन कन्वर्टर से तो उसमें DC कन्वर्टर लगाए जाते जो कि प्रॉपर काम नहीं करते, उसमें उतनी सुविधाएं नहीं मिलती कि उसे कन्वर्ट करके कोच को दिया जाए, और अलग से ट्रांसफार्मर लगाया जाता तो उसके लिए प्रॉपर स्पेस नहीं थे। तो इन सब टेक्निकल रीजन के चलते यहाँ पर इसके बारे में जो है WAP-4 HOG नहीं सोचा गया। और जैसे जैसे लोकोमोटिव एडवांस होते गए, AC वाले लोकोमोटिव आते गए, तो इन सब में अब ये चीजें दी जा रही है। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पर चीजें समझ में आई होगी। सो इस वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।